हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अगले लेक्चर में। आईयूपीएसी का लेक्चर 4 है। आज हम साइक्लो कंपाउंड और बेंजीन डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, वेलकम है आप लोगों का। चलो स्टार्ट किया जाए। साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम बात करेंगे, ध्यान से देखना जरा। नॉमनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड हम लिख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है प्रायोरिटी। ठीक है, किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे? सबसे पहले बेटा हम देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स की। किसकी बात करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स की। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका, जैसे मान लो रिंग है और चेन है, ठीक है, रिंग है और चेन है, आपने देखा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन में है तो हम चेन से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, रिंग में है तो हम रिंग से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद चलेंगे अपन मल्टीपल बॉन्ड पर। अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेम है या नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड से चूज करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह। अगर इससे नहीं तो फिर नंबर ऑफ कार्बन से हम देखेंगे। ठीक है, जितना नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा चेन में ज्यादा तो चेन से नंबरिंग, रिंग में ज्यादा तो रिंग से नंबरिंग। और उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे रिंग की। ये कब देना है? जब नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारे सेम है। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम रिंग को प्रायोरिटी देते हैं। अभी अपन एग्जांपल से और समझ लेंगे। रूल नंबर 2 देखो जरा। रूल नंबर 1 समझ गए आप, रूल नंबर 2 देखो। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच विद द रिंग, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच है, देन दे आर टेकन एज मेन पार्ट। वही अभी जो मैंने बात बोली आपसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, अगर वो रिंग से अटैच है तो हम उससे काउंट कर लेंगे, चेन से अटैच होता तो हम उससे काउंट कर लेते। रूल नंबर 3 क्या है? इफ नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, यही जो मैं यहां बता रहा था, नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके सेम है तो बेटा रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती चेन से। नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा रखते हैं किससे? चेन से। ठीक है, तो बेसिक सिंपल से रूल है, फटाफट से इसको नोट करो। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, लिख लो जरा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, एग्जांपल से समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखना आप जरा ध्यान से। अब यहां एग्जांपल देखो, मेन चीज क्या है आपको भी पता है, अपन एग्जांपल से बहुत सारी चीजें समझा देते हैं ना, तो एग्जांपल बहुत ध्यान से देखा करो, है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल देखना जरा, इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? कहीं भी, चेन में या रिंग में कहीं भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। सिंपल कार्बन की बातें चल रही है। अब आप जरा बताओ मुझे, रिंग में कितने कार्बन है? साफ साफ दिख रहे हैं आपको, 3 कार्बन है रिंग में, है ना। और चेन में कितने कार्बन है? इसमें भी 3 कार्बन है। ये वाला कार्बन चेन का पार्ट नहीं होगा, ये कार्बन किसका पार्ट है? रिंग का पार्ट है ना, चेन का पार्ट यहां से। तो चेन में भी 3 कार्बन है, 1, 2, 3, और रिंग में भी 3 कार्बन है। अगर कार्बन सेम होते हैं तो बेटा अभी देखो क्या लिखा था हमने, ये वाला रूल, अगर कार्बन सेम होते हैं तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? रिंग की। तो हम रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा है तो वहां से नंबरिंग करेंगे। तो कहां से कर दूं मैं इसको? 1 लिख दूं, ठीक है। आप कहीं भी आप 2 दे सकते हो, इसको 2 लिख दिया और इसको 3 लिख दिया। तो ये क्या बन गया आपका? इतना पार्ट ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हो? प्रोपाइल। तो क्या लिखेंगे? 1 प्रोपाइल। और 3 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लिखते हैं प्रोप, लेकिन साइकिल है तो हम यहां लिखेंगे साइक्लो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो प्रोपेन, इस तरीके से लिखना है आपको, है ना। तो 1 प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, इस तरीके से चलना है। अगला देखना जरा, अब देखो जरा मल्टीपल बॉन्ड आ गया यहां पर, कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो था नहीं, तो हमें मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे तो अब यहां से नंबरिंग होगी, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब आप देखो ये पार्ट कौन सा वाला? ये वाला, ये पार्ट तुम्हारा क्या बन गया? ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज किया जाएगा। और 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? प्रोपाइल, लेकिन रिंग में है, साइकिल है तो साइक्लोप्रोपाइल। तो क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और 3 कार्बन है तो प्रोप, 1 पर डबल, तो 1-ईन या प्रोपीन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बहुत आसान है ना। अगला देखो जरा, अब तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया तो अब रिंग की नंबरिंग होगी, तो ये 1 लिखेंगे,
यहां टू लिखेंगे और यहां थ्री लिखेंगे। अब ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, तो टू पर क्या आ गया बेटा, प्रोपाइल, क्या आ गया, प्रोपाइल, ठीक है, और तीन कार्बन पर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब कई लोग यहां ये गलती करते हैं, ऑइक एसिड लिखने लगते हैं, ऑइक एसिड थोड़ी लिखना है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है और उसका कार्बन आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, याद करो, क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, ठीक है। तो वन पर क्या लिखा दूं, लिख दूंगा, साइक्लोप्रोपेन लिख दिया, वन कार्बोक्सिलिक एसिड, वन लिखो ना लिखो बात बराबर है, ठीक है, इस तरीके से अपन लिखा करेंगे, बहुत आसान है। अगला देखो जरा, अब देखो COOH जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो चेन का पार्ट है, तो हम रिंग की नंबरिंग नहीं करेंगे, चेन की नंबरिंग करेंगे, है ना, सही ना, तो ये वन ये टू, अब ये किसमें काउंट हो गया, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हो, यहां लिखा था साइक्लोप्रोपाइल, तो वही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, टू साइक्लोप्रोपाइल और दो कार्बन के लिए इथेनोइक एसिड, इथेन वनोइक एसिड लिखो, इसका मतलब है डायरेक्ट इथेनोइक एसिड आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखो जरा, अब यहां पर लोग गलती कर देते हैं, क्या इथाइल का ई और मिथाइल का एम कंपेयर कराने लगते हैं, ऐसा थोड़ी कराना है, आप जरा ध्यान से देखो, यहां दो दो ब्रांच लगी हैं, तो दो दो ब्रांच को पहले प्रायोरिटी देनी है आपको, है ना, नंबर ऑफ ब्रांचेस को पहले प्रायोरिटी, तो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लिखते टाइम तो आपको वही लिखना है, लिखते टाइम तो इथाइल पहले लिखोगे ना, तो फोर इथाइल वन कॉमा वन डाई मिथाइल, देख लो जरा, दो मिथाइल लगे हैं ना, वन वन डाई मिथाइल, और कितने, छह कार्बन है, तो साइक्लो हेक्सेन, इस तरीके से लिखोगे, बहुत आसान है ना। अगला देखो जरा, ये होता है मिथॉक्सी और ये होता है इथाइल, तो अब यहां एक एक ब्रांच है तो हम इथाइल को प्रायोरिटी देंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन पर क्या लिखूंगा, इथाइल, फोर पर क्या लिखूंगा, ओएमई को क्या लिखते बेटा, मिथॉक्सी, क्या, मिथॉक्सी, और छह कार्बन तो साइक्लो हेक्सेन, इस तरीके से अपन लिखा करते हैं, समझ गया बात को। तो देखो आईयूपीएससी में जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन देखोगे ना, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उतना जल्दी आप चीजों को सीखोगे, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो जल्दी से। ठीक है, लिख लिया, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हो गई अपनी, छह क्वेश्चन इसके हो गए, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो और सवाल, सवाल देखो बहुत मिलेंगे, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना आपको, आईयूपीएससी घर तक आएगी आपके, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अगला सवाल आपके सामने लिखा है आपकी स्क्रीन पर, मुझे एक बार बताओ एनओ टू क्या होता है, प्रफिक्स होता है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन क्या है, प्रफिक्स है ना। अब ध्यान से देखना आप जरा, मैं इसको प्रफिक्स बोल रहा हूं और ये डबल बॉन्ड क्या है, सफिक्स वन बोल देते हैं इसको, है ना, सफिक्स टू आपके फंक्शनल ग्रुप वाले हो गए, तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी बेटा यहां से, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स आएगा, देख लो जरा एक बार ध्यान से देख लो, सही है, क्यों, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में आता है ना, तो उसकी प्रायोरिटी प्रफिक्स से ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे इसके लिए, थ्री पर क्या लिखेंगे, नाइट्रो, क्या, थ्री नाइट्रो, छह कार्बन है, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, वन इन लिखो या ना लिखो बात बराबर, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं साइक्लोहेक्सीन, तो इसका नाम है थ्री नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। लेकिन अगले वाले सवाल में ध्यान से देखना जरा, ये OH तुम्हारा सफिक्स टू हो गया, फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसकी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से
ज्यादा होती है तो अब नंबरिंग तुम्हारी कुछ इस प्रकार होगी। देख लो जरा दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर NO2 लगा था तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग हो गई, और OH आ गया तो अब OH वाले कार्बन से नंबरिंग हो गई। यही तो ब्यूटी है भाई सवाल की। देखो क्या लिखेंगे अब यहां पर, साइक्लो हेक्स टू इन, क्यों डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है, टू पर आ रहा है, टू इन और वन ऑल, और ये E को ड्रॉप कर देना, साइक्लोहेक्स टू एन वन ऑल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल, सी एन और यहां अल्कीन है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा इथिनाइल हो गया, याद करो इथिनाइल है ना, ये क्या हो गया सी एन तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो यहां से नंबरिंग करो, वन टू थ्री फोर, चेक कर लो जरा एक बार, सही है ना, सी एन और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ध्यान से देखो जरा, सी एन तुम्हारा होता है क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू क्या है तुम्हारा, इसको ये जो दिख रहा है ये, इसको क्या बोलोगे, ये है तुम्हारा प्रफिक्स, क्या बोलोगे इथिनाइल है ना, तो देखो जरा ध्यान से लिख रहा हूं, टू इथिनाइल, सही है, छह कार्बन है तो साइक्लोहेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो इन, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब जरा मुझे एक बार बताओ, इसको देखना जरा, ये इसका कार्बन काउंट हो रहा है क्या, बताओ हो रहा है क्या इसका, नहीं हो रहा ना, और जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, ध्यान से, अगर कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो तो कार्बोनाइट्राइल, याद करो जरा वो दिन जब मैंने आपको ये बताया था, अगर कार्बन काउंट होता है तो नाइट्राइल, नहीं होता है तो कार्बोनाइट्राइल, है ना। अगला सवाल बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना जरा, ये जो COOET है ये एस्टर हो गया और CHO तुम्हारा एल्डिहाइड हो गया, एस्टर एल्डिहाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, एस्टर की, ठीक है, मतलब नंबरिंग करेंगे अपन कहां से, एस्टर से, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये जो एस्टर है यहां से नंबरिंग होगी, तो जब नंबरिंग मैं करूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना, COOET लिखा है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं वन, ठीक है। अब डबल बॉन्ड और CHO में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, बताओ जरा, लोग CHO की प्रायोरिटी ज्यादा बोलने लगते हैं, अरे दादा एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने इन दोनों में से, ध्यान से सुनना बात को कान खोल के, अगर मैंने इसको और इसको कंपेयर कराया तो मुझे यह पता चला कि इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, तो फिर CHO तो प्रफिक्स बन गया ना। अरे यार अगर दो तुम्हारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें से एक की प्रायोरिटी ज्यादा, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक प्रफिक्स बन जाता है, और अगर ऑटोमेटिक प्रफिक्स बन जाता है तो हम इसको प्रफिक्स में रखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, बहुत ध्यान से, तो ये तुम्हारा प्रफिक्स बना, और प्रफिक्स में CHO को क्या बोलते हो, इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो इसका प्रफिक्स फॉर्माइल होता है, अगर कार्बन काउंट करते हो तो ऑक्सो लिखते हो, नहीं करते हो तो फॉर्माइल, तो सबसे पहले तो हम एस्टर वाला इथाइल लिखते हैं, ये तो पक्का है, तो ये आ गया आपका इथाइल, एस्टर वाला इथाइल आ गया, ठीक। उसके बाद फाइव पर, लेकिन उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, इथाइल हो गया हां, उसके बाद हम चलेंगे फाइव पर, सही है, फाइव पर फॉर्माइल, फाइव पर क्या आ गया फॉर्माइल, ठीक है, फॉर्माइल लिख दिया। अब इसके बाद चलो पांच कार्बन है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंट, ध्यान से सुनते जाना, साइक्लोपेंट ये लिख दिया, और टू पर क्या लगा है डबल बॉन्ड, तो टू इन, ठीक है, ये हो गया साइक्लोपेंट टू इन। अब तुम COO के लिए क्या लिखते थे, कार्बन इसका काउंट नहीं हो रहा, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन मेन पार्ट में काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या लिखते थे कार्बोक्सिलेट, याद करो जरा बात को, यही लिखते थे अपन,
याद करो, अगर इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलेट लिखा करते हैं, समझ गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना जरा। इधर फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, तो हम लिखेंगे इसको 1, इसको 2, बस हो गया। अगर मैंने इसको 1, इसको 2 लिखा, तो ये जो है ये, इसको मैं क्या बोलूंगा, बताओ जरा इसको क्या बोलोगे। अगर मेरे पास सिंगल बॉन्डेड साइक्लोप्रोपाइल होता, सिंगल बॉन्डेड होता तो साइक्लोप्रोपाइल होता, लेकिन ये डबल बॉन्डेड जुड़ा है तो साइक्लोप्रोपाइलिडीन, याद करो साइक्लोप्रोपाइलिडीन लिखेंगे इसको। तो 2 पर क्या लिखूंगा, 2 पर लिखूंगा साइक्लोप्रोपाइलिडीन। ध्यान से सुन लो जरा, क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइलिडीन लिखेंगे इसको, है ना। अगर सिंगल होता तो साइक्लोप्रोपाइल लिखते, 2 कार्बन है तो इथेन 1। अब ध्यान से देखना, अब तुमने COCl का कार्बन काउंट कर लिया, तो अब इसको ऑयल क्लोराइड लिखेंगे, कार्बन काउंट हो गया ना, ऑयल क्लोराइड लिखेंगे और ई को ड्रॉप कर देंगे। समझते जाओ भाई, एग्जांपल अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब तुमने COCl का कार्बन काउंट कर लिया तो ऑयल क्लोराइड, यहां तुमने कार्बोक्सिलेट क्यों लिखा, ऑयल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं किया आपने फंक्शनल ग्रुप का, कार्बन कंटेनिंग, है ना। इस तरीके से आपको चलना है। अगला सवाल देखना, इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, क्यों, कीटोन को आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेना है क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी, और कीटोन में ऐसा होता है कि लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है। अब मैं यहां पर इसको 1' लिख सकता हूं या 1 लिख लो, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखना जरा, मेन चेन के, ये क्या आ गया, मेन चेन के, लाइन खींचना जरा, मेन चेन के 1 कार्बन पर ब्रांच लगी है ये, तो 1 पर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ये ब्रांच में क्या लिखा है, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल, ये लिखूंगा मैं, देखो ध्यान से देखना, 1 पर ये आपका सब्सिट्यूएंट है, उसमें भी 3 पर OH लगा है, OH को क्या लिखते हो, हाइड्रोक्सी, तो 1 पर क्या लगा है, 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, साइक्लो ब्यूटाइल, क्या लिखते हो बेटा, साइक्लो ब्यूटाइल, 4 कार्बन के लिए, है ना, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो ब्यूटाइल। और इधर चलो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 ऑन, देख लो जरा, चेक कर लो, प्रोपेन 2 पर लगा है क्या, कीटोन, सफिक्स क्या लिखते हो, ऑन, देख लो जरा एक बार अच्छे से, एक बार फिर समझना, 1 पर ये ब्रांच लगी है ना, तो अगर मैंने ये 1 2 3, ये तो मेन चेन हो गई, ये जो है ना, ये वाली तुम्हारी मेन चेन हो गई, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, ये वाला हो गया सब्स्टिट्यूएंट। 1 पर चले, जहां से बॉन्ड होता है वहीं से ही स्टार्ट करते हैं, ये कार्बन है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4, तो 3 पर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन की रिंग वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोब्यूटाइल लिखेंगे इसको, है ना, और 1 पर लगा है ये, तो 1 मैंने बाहर लिख दिया मेन चेन के। तो इस तरीके से अपन ने प्रोपेन 2 ऑन लिख दिया, 3 कार्बन थे, वर्ड रूट प्रोप होता है और सी डबल बॉन्डो ऑन होता है, क्लियर, ठीक है। फटाफट से 5-10 सेकंड के अंदर इसको नोट कर लो पॉज करके। क्लियर, पानी पी लिया जाए।
समझ गया ना बात को। चलो आगे बढ़ा जाए, तो अपन पहुंच गया यहां तक। अरे सवाल बहुत आएंगे, इतने आएंगे कि क्या बताएं। ध्यान से देखना जरा, सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 13 ये कह रहा है कि इसको गौर से देखो जरा पहले। अब यहां पर जो तुम्हारा मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एस्टर दिख रहा है सीओ बीच में, तो एस्टर दिख रहा है तो नंबरिंग मैं कहां से करूंगा, मैं इस रिंग की नंबरिंग करूंगा, क्यों एस्टर से ये कनेक्टिविटी है, तो ये 1 ये 2 ले लो और ये 3 ले लो। अब ये जो दिख रहा है ये है बेटा साइक्लोब्यूटाइल, क्या है साइक्लोब्यूटाइल, तो ये पहले आएगा, क्या लिखूंगा साइक्लोब्यूटाइल, क्या लिखूंगा साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। अब साइक्लोब्यूटाइल लिखने के बाद इधर चले 3 कार्बन के लिए साइक्लोप्रोपेन, क्या लिखूंगा साइक्लोप्रोपेन, और एस्टर का कार्बन काउंट नहीं कर रहे, मतलब कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। कार्बन कहां काउंट किया आपने, अगर कार्बन को काउंट करते तो बेटा हम एस्टर लिखते, कार्बन काउंट नहीं किया है, नहीं किया है मतलब कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि यह बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना जरा। मैं इसमें नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग के लिए मुझे करना पड़ेगा, ये 1 लिखूंगा नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखो जरा, यहां कुछ नहीं लिखा मतलब मैं एम ही लिख सकता हूं भाई, यहां कुछ नहीं लिखा मतलब मिथाइल होता है ना, तो ये क्या होगा तुम्हारे, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो हम नंबर ना लिख के वो वर्ड यूज करते हैं, मतलब अल्फाबेट यूज करते हैं अपन, ये बोलो अल्फाबेट यूज करते हैं, क्या एन कॉमा एन डाइमिथाइल, अगर नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो ऐसा लिखना है, अगर एक होता तो हम एन लिखते, दो है तो एन एन डाइमिथाइल, ऐसे लिखना है एन एन डाइमिथाइल। अब आप चलो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो साइक्लो ब्यूटेन, और 1 पर नाइट्रोजन लगा है मतलब 1 अमीन, साइक्लोब्यूटेन 1 अमीन, और ई ड्रॉप कर देंगे क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी पढ़ लो। वाह यार, करें स्टार्ट, चलो भाई ध्यान से देखना। ठीक यहां तक पहुंच गए थे, अगला सवाल, सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, गौर से देखो इसे, यही है वो जिसका आपको इंतजार था, देखना जरा। क्या ये अमाइड है, क्या ये अमाइड है, ध्यान से देखना। सी डबल बॉन्ड ओ एच एन एच ये लगा है, मतलब ये अमाइड है, मींस मैं इसको लिखूंगा 1, ध्यान से देखना, मैं इसको लिखूंगा 1, बस एक ही कार्बन है इसमें, एक ही कार्बन है, लेकिन यहां जो ब्रांच लगी है एन के साथ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको क्या बोलोगे, अगर ये ब्रांच है तो साइक्लोहेक्साइल, क्या बोलोगे बेटा साइक्लोहेक्साइल, ठीक, और वो किस पे लगा है एन पर, तो एन
साइक्लो हेक्साइल, एन साइक्लो हेक्साइल, ओके। एक कार्बन है तो मीथेनामाइड लिख देंगे, मीथेन वन अमाइड लिखोगे और इसको ड्रॉप कर दीजिएगा ई को, क्यों उधर ए आ रहा है, ए ई आई ओ यू और वाई, ठीक है। चलो अगला सवाल, इसमें ध्यान से देखना जरा, ये जो कीटोन दिख रहा है आपको ऐसा भाई, सी डबल बॉन्ड कीटोन जैसा ग्रुप होता है ना, इसको एक्चुअल में कीटीन बोलते हैं ना, क्योंकि दोनों जगह डबल बॉन्ड आ रहा है। वन पर इसको क्या बोलोगे, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा मिलता जुलता है ये 15 वाले से, देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर सिंगल बॉन्डेड होता, अगर तुम्हारा सिंगल बॉन्डेड ब्रांच होती तो साइक्लोहेक्साइल लिखा, यही लिखा ना आपने यहां पर, लेकिन अगर डबल बॉन्डेड ब्रांच लगी है तो इसका नाम साइक्लोहेक्साइलिडीन हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखूंगा, वन पर साइक्लो हेक्साइ, अरे आई की समस्या, हेक्साइ लिडीन, वन साइक्लो हेक्साइलिडीन हो जाएगा ये, है ना। और एक कार्बन है तो बेटा क्या लिखेंगे, मेथेन वन ऑन, मतलब ई ड्रॉप करके मेथेनॉल लिख सकते हो, वन हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा, COH लगा हुआ यहां पर है ना, COOH लगा हुआ है तो इसको मैं वन लिखूंगा, बाकी सारे तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, क्यों, अगर तुमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई एक चूज कर लिया, ध्यान रखो पूरे IOPAC के चैप्टर में अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसमें से आपको एक मेन फंक्शनल ग्रुप बनाना है जिसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अगर तुमने एक को PFG बना लिया तो ऑटोमेटिक बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं वो सारे के सारे प्रीफिक्स बन जाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे प्रीफिक्स बन जाएंगे। अब ये प्रीफिक्स बन गया तो कम से कम ये सफिक्स बन तो है ना अल्कीन, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये लिखोगे। अब 4 पर क्या लगा है, ये 1 लिख सकता हूं, ये 2, ये 3, ये 4। इस साइड वाली ब्रांच को क्या पढ़ोगे बताना जरा, इस तरफ वाली ब्रांच को, ये इधर वाली ब्रांच को क्या पढ़ोगे, सोचो जरा, इधर वाली ब्रांच को क्या पढ़ोगे, ये तुम्हारा हो गया 3-hydroxy cyclobutyl, सही है, 3-hydroxy cyclobutyl इधर वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखना 3-hydroxy cyclobutyl, और वो किस पर लगा है, मेन चेन तुम्हारी ये है उसके फोर्थ कार्बन पे लगा है, तो 4 पर क्या लगा है, 3-hydroxy cyclobutyl, ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा। और क्या है, 6 पर ब्रोमो लगा है, OMG, 6 पर ब्रोमो लगा है ना, तो यहां ये H आ रहा है, ब्रोमो का B आता है तो B पहले आएगा, तो एक काम करते हैं इसको अपन, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कैसे करूं, अच्छा ये पूरा ही शिफ्ट हो रहा है, वही सब इसको ऊपर ही रहने दो, इसको मत छेड़ो, दोबारा लिख लेंगे भाई दोबारा लिख लेंगे, ये ध्यान रखना। चलो अभी मैं दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि ब्रोमो पहले आएगा ना, तो ये पहले आएगा, तो 6 ब्रोमो, अब क्या लिखेंगे, वही 4 पर 3-hydroxy cyclobutyl, यही लिखा था अपन ने, हमने ये बाद में क्यों लिखा बताओ जरा, क्योंकि यहां पर बी और वहां एच आ रहा था, है ना, तो 6 ब्रोमो 4 पर 3-hydroxy cyclobutyl हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब आ जाओ आप वर्ड रूट पर, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड भी है इसमें, 2 पर 2-ene और
वन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑइक एसिड नहीं, क्यों इसका कार्बन काउंट नहीं किया, वन पर क्या लिखूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आएगा इसका कंप्लीट नेम, चेक कर लो एक बार। थ्री हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल हो गया, छह पे ब्रोमो, ब्रोमो पहले आ गया, हाइड्रोक्सी में आता है, ब्रोमो भी आता है, छह कार्बन साइक्लोहेक्स, टू इन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, चेक कर लीजिए, देख लो जरा एक बार ध्यान से, समझ रहे हो क्या लिखा ये। तो ये हो गया अपना 17 क्वेश्चन तक, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, साइक्लो वाले अपने हो गए, ठीक है एक बार देख लो जरा ध्यान से, साइक्लो वाले हमने कौन कौन से करे थे, यहां ये बेसिक तीन रूल आपको ध्यान रखने, ठीक है उसके बाद ये क्वेश्चन किए हमने छह, उसके बाद अपन ने 12 और 17 तक, ठीक है अब बढ़ते हैं आगे। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव में कुछ बेसिक रूल होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्या लिखा है पहला रूल पढ़ेंगे सब एक साथ, क्या, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड इन आईयूपीएसी नेम। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो जो उसका कॉमन नेम है वही अपन क्या यूज करते हैं आईयूपीएसी नेम। जैसे इसको हम फिनॉल बोलते हैं तो इसका नाम फिनॉल ही रखेंगे हम आईयूपीएसी में, यहां लिख लो जरा, इसका नाम क्या है फिनॉल, ठीक, इसका नाम होता है एनिलीन, क्या होता है एनिलीन, ठीक, इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड, क्या नाम है इसका बेंजोइक एसिड, जो कॉमन नेम है वही हमें इसका यूज करना है आईयूपीएसी में, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड, ठीक है अगला देखो जरा, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है इसका नाम क्या है बेंजल्डिहाइड, अगला देखो इसका नाम क्या है बेंजोएट, अब आर लगा है तो अल्काइल तो आपको पहले लिखना ही है जब लिखोगे तो, है ना बेंजोएट, इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल है ना, इसको बोलते बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है तो ये इसके नाम है, समझ गया बात को, तो फटाफट से 5 सेकंड में नोट करो इसको, यही आपको यूज करना है, मतलब जो कॉमन नेम है ये वही आपको आईयूपीएसी में यूज करना है, अभी एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, पहले नोट कर लो। आगे बढ़े, चलो भाई आगे, रूल नंबर टू क्या कह रहे हैं, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है जैसे ये लिखा है तो आईयूपीएसी में जैसे नंबरिंग करते हैं हम वैसे ही करेंगे, जैसे ध्यान से देखना जरा एग्जाम्पल से समझ जाओगे, अब जैसे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है ना तो जैसे आईयूपीएसी में चलते थे हम वैसे ही चलेंगे, ध्यान से देखो जरा, मैं इसको क्या लिखूंगा इधर इस कार्बन को बन दूंगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरीके से हम नंबरिंग कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे इसको बेंजीन, ध्यान से देखना जरा क्या लिखेंगे बेंजीन 1.4 डायोल, जैसे हम आईयूपीएसी में करते थे वैसे करेंगे, मैंने यहां ऐसा नहीं लिखा कि 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल ना, 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल नहीं लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जैसे हम आईयूपीएसी में यूज करते थे ये बेंजीन होता है और 2OH को डायोल लिखते हैं, ठीक, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रोक्विनोल, तो हम कॉमन नेम में इसको यूज नहीं करते, जब तुम्हारा एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो ही हम कॉमन नेम को आईयूपीएसी में यूज करते, जो पीछे वाला रूल था, यहां 2-2 OH लगे हैं, देखो आप ध्यान से, अभी जो पीछे हमने बात की थी उसमें हमने सिर्फ 1 OH वाली बात की थी फिनॉल, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें 2 OH आ गए, तो जैसे हम आईयूपीएसी में करते थे वैसे ही करेंगे, यहां देखो जरा इसको लिखेंगे ये 1, ये 2, 3,
फोर फाइव और ये सिक्स, ठीक है। अब छह कार्बन अगर हैं तो हम लिखेंगे बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन होता है। वन कॉमा टू, कितने सीएच लगे हैं, दो लगे हैं ना, तो डाई कार्बन काउंट नहीं हो रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखना है। अगर एक से ज्यादा आ गए तो कॉमन नेम को यूज नहीं करना, क्यों, इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखूं किसका, इसका, इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड यूज नहीं कर रहे अपन, है ना, अगर एक से ज्यादा है तो। इसका मैंने क्या बोला था, हाइड्रोक्विनोल, ठीक है। ऑर्थोमेटापैरा तीन होते हैं वैसे ही, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो, ऑर्थो पे लगा होता तो कैटिकॉल बोलते हैं, मेटा पे लगा तो रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, और पैरा पे तो हाइड्रोक्विनोल बोलते हैं, ठीक है, समझ गया बात को, क्या बात बताना चाह रहा हूं मैं, समझे। अगर एक ओएच होता तो उसका कॉमन नेम हम आईयूपीएसी नेम के बराबर लिख के हम कर देते, लेकिन अगर दो आ गए तो दो में ऐसा नहीं करना कि ये कॉमन नेम आप यूज कर रहे हो, इसको आईयूपीएसी में जैसे लिखते हो बेंजीन के अकॉर्डिंग वैसे लिखना आपको, है ना। चलो नोट करो फटाफट से, ठीक है, समझ गए बात पूरा क्लियर। चलो आगे बढ़े, रूल नंबर थ्री को ध्यान से पढ़ो जरा, अच्छा रूल है ये, है ना, रूल नंबर थ्री को ध्यान से पढ़ो। इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन पार्ट, ध्यान से सुनना, ओपन पार्ट एंड रिंग, ओपन पार्ट और रिंग दोनों में, ठीक है, देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल, ये जो लिखा है ना, ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मिथाइल एंड इथाइल, ठीक है। इन ऑल अदर केसेस ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट, अगर मिथाइल और इथाइल है तो रिंग को नंबर दो, अगर उसके अलावा कोई आता है तो ओपन पार्ट को नंबर दो, सिंपल सा है, ठीक है, जैसे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब मिथाइल और इथाइल दो पार्ट, देखो रिंग भी है और मिथाइल इथाइल भी है, तो हमें किसको नंबरिंग करनी, रिंग को, तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो क्या लिखूंगा, वन मिथाइल, वन मिथाइल और छह कार्बन तो बेंजीन, ऐसे, या मिथाइल बेंजीन, इसको क्या लिखोगे, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, क्या लिखूंगा, वन इथाइल, ध्यान से सुनना, वन इथाइल और बेंजीन या इथाइल बेंजीन, ये कब करा, जब मिथाइल और इथाइल हैं तो रिंग को नंबरिंग करी, लेकिन जैसे ही मिथाइल इथाइल के ऊपर निकलोगे तो आपको फिर रिंग को नंबरिंग नहीं करनी, यही तो ये रूल है, सीधे शब्दों में अगर रूल बताएं तो यही है। अब आपको चेन को करनी है, तो ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, ऐसी नंबरिंग करोगे। अब तुम्हारा ये क्या बन गया, अब बेटा अब आया मजा, ये क्या बन गया, ये बोलो, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये क्या बन गया, ये अब तो चमकता हुआ दिख रहा है, ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो अब इसका नाम बेटा क्या आएगा, इसका नाम आएगा दो पर फिनाइल, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो फिनाइल, टू फिनाइल, और चार कार्बन है तो ब्यूटेन, ओके समझ गए कि नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, बस रूल पता होने चाहिए आपको, है ना। अगला देखो जरा, मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है, डबल बॉन्ड है ना, बहुत बढ़िया, तो हम इसी की नंबरिंग करेंगे, ये वन ये टू, तो ये तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, क्या लिखते हो इसको ब्रांच में, सर फिनाइल लिखते हैं, तो वन फिनाइल ईथ वन इन या ईथीन लिख दो, है ना, अब तो वन लिखो ना लिखो बात बराबर है, इतना सारा पढ़ लिया अपन ने, अब तो समझ गए होगे कहानी, समझे इस रूल की क्या है, इस रूल की कहानी ये है कि मिथाइल और इथाइल आया तो रिंग की नंबरिंग करी, मिथाइल इथाइल आया तो रिंग की नंबरिंग करी, इसके अलावा कुछ और आया तो हमने चेन की नंबरिंग करी, रिंग की नहीं करनी फिर, है ना, नोट करो इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई आगे बढ़े, देखना आप ध्यान से आगे बढ़ते हैं सर। रूल नंबर चार क्या कह रहे हैं? रूल नंबर चार में बहुत ध्यान से पढ़ना जरा रूल मेरे साथ। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। ये तो आपको पता ही था, नॉर्मल भी तो रूल यही होता है। फंक्शनल ग्रुप में भी प्रीफिक्स क्लास, प्रीफिक्स क्लास वाले फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे हेलो वाले हो गए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, नाइट्रो हो गया, ठीक है, नाइट्रोसो हो गया, एलकॉक्सी हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जो प्रीफिक्स क्लास वाले हैं, अब आप समझ गए हो गए ना, तो वो भी चल सकते हैं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। अपने सफिक्स टू वाले तो थे ही, साथ में प्रीफिक्स क्लास वाले भी ले सकते हो नंबरिंग करते टाइम, है ना। जैसे ध्यान से देखो जरा इधर क्या लिखा है, पहले रूल एक बार फिर समझेंगे। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। प्रीफिक्स क्लास को भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। जैसे ध्यान से देखो, यहां देखो सीएल लगा है और ये अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये प्रीफिक्स क्लास का है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। तो नंबरिंग करेंगे हम यहां से, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स। हां ये हमें पक्का पता है कि क्लोरो प्रीफिक्स लिखेंगे, लेकिन लिखते टाइम प्रीफिक्स लिखेंगे, नंबरिंग करते टाइम उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करके ले लिया करेंगे, समझ गया रूल, है ना। तो आप देखो जरा, वन पर क्लोरो है और फोर पर क्या है, फोर पर जब आप आगे बढ़ोगे, फोर पर जब आप आगे बढ़ोगे तो तुम्हें इसको वन लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये दो और ये तीन, तो जो इतना पार्ट है उसके लिए क्या लिखोगे, वन। ये क्या है, मिथाइल है ना, वन मिथाइल प्रोपाइल, कहां पर, फोर पर, कहां पर, फोर पर, तो फोर पर क्या लिखूंगा, वन मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा साथ में क्लोरो भी तो है, तो पहले क्लोरो आएगा, ठीक है, पहले क्लोरो लिखेंगे, तो वन क्लोरो, वन क्लोरो, क्योंकि क्लोरो में सी आता, मिथाइल एथाइल में एम आता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो उसके पहला अल्फाबेट होता है उसी से लेते हैं ना। वन क्लोरो, फोर पर चलो, फोर पर जब आप चलोगे तो वन मिथाइल प्रोपाइल, यही लिखोगे, वन मिथाइल प्रोपाइल, यही लिखना है ना, वन क्लोरो सीएल के लिए, और फोर पर यहां चले तो वन मिथाइल और तीन कार्बन, तो प्रोपाइल, है ना। अब अपन चले छह के लिए, क्या लिखते हो, बेंजीन, ये तो गोले वाला बेंजीन होता है ना, देख लो जरा एक बार अच्छे से, हमने नंबरिंग करते टाइम इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कैटेगरी में डालना है इसको, कब, जब नंबरिंग करोगे, लेकिन उसके बाद लिखते टाइम तो प्रीफिक्स ही लिखोगे ना, सफिक्स थोड़ी लिखोगे आप, है ना। इधर आ जाओ जरा, इसमें ध्यान से देखना, यहां क्लोरो दिख रहा है तो नंबरिंग यहीं से करो, वन टू थ्री फोर, ये क्या बन गया आपका, ये अब तुम्हारा बन गया ब्रांच, ये क्या बन गया ब्रांच, तो थ्री फिनाइल लिखोगे, और वन पर क्लोरो है, थ्री पे तो फिनाइल है, वन पर क्लोरो है तो क्लोरो तो पहले ही आएगा ना, तो वन क्लोरो, थ्री पर क्या है, फिनाइल और ब्यूटेन, चार कार्बन है ना, देख लो जरा एक बार ध्यान से, सही है, हाँ ठीक है, ब्यूटेन, क्लियर। चलो फिर इसको नोट करो आप, फिर आगे बढ़ते हैं, दोनों चीजें समझ गए आप क्या कह रहा हूं मैं। जब कभी भी आपका फंक्शनल ग्रुप आता है, प्रीफिक्स वाला भी चलेगा, नंबरिंग करते टाइम वहीं से नंबरिंग करनी है ना। चलो लिख लो फटाफट से, आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला पॉइंट, रूल नंबर फाइव, बहुत प्यारा रूल है, बहुत प्यारा रूल नंबर फाइव क्या कहता है, इफ बोथ पार्ट आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। जानते हो आप, अगर चेन में और रिंग में दोनों में आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मेन पार्ट लेना। जैसे ध्यान से देखो, COH आ रहा है चेन वाले पार्ट में, ये आ रहा है रिंग वाले पार्ट में, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इन दोनों में प्रायोरिटी बेटा इसकी ज्यादा है तो सीधा सीधा इसी को लेना है, ठीक है। तो ये वन और ये टू, टू पर जब आप आगे चलोगे तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स, ऐसा, तो क्या लिखोगे, फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल, क्यों, ये सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये जो है ना, ये इतना पार्ट तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया,
समझ रहे बात को? तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 4-hydroxy phenyl, ये आएगा 4-hydroxy phenyl आएगा। और ये कहां पर लगा है? 2 पर लगा है, तो यहां 2 लिख देना पहले ऐसा, और ब्रैकेट मार दो, 2 पर आएगा 4-hydroxy phenyl, है ना। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट इथेन, और ये कार्बन काउंट हो रहा है तो इथेनोइक एसिड लिख दूं सीधे, सीधे इथेनोइक एसिड लिख सकता हूं ना मैं, कुछ मिट गया यहां पे क्या, इफ देयर इज चॉइस, अच्छा ये वाला पॉइंट था, इफ देयर इज चॉइस आएगा, भी पॉइंट मिट गया था। ये समझे ध्यान से देखो जरा, ये वन ये टू, उस पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 किया, 4 पर हाइड्रोक्सी फिनाइल हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट में फिनाइल यूज करते हो, तो 4-hydroxy phenyl हो गया, और उसके बाद 2 कार्बन का सफिक्स इथेन 1-oic एसिड, क्लियर। चलो अगला सवाल देखना, अगले सवाल में ध्यान से देखो जरा, बहुत ध्यान से, COH और OH, अगर मेरे पास COH और OH है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा बेटा, ये, तो अब यहां से नंबरिंग होगी, ठीक है, यहां से नंबरिंग होगी, ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आप 4 पर चले तो ये 1 लिखोगे, ये 2 लिखोगे, 4 पर आगे बढ़ोगे तो 1-2 ऐसा लिखोगे, तो क्या लिखोगे आप, 2-hydroxy ethyl, ये वाला पार्ट, 2-hydroxy और 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथाइल, 2-hydroxy ethyl, इतना पार्ट, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, ये तुमने मेन चेन जब ले ली तो बाकी पार्ट सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना ये। अब ये 6 के लिए क्या लिखते हो आप, बेंजोइक एसिड, क्यों, COH डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम को IUPAC की तरह ले लेते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसके लिए। अगला देखो जरा, अब क्या कह रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, वो उसके लिए ये पॉइंट है, MI*, ध्यान से देखना जरा, इफ देयर इज चॉइस, प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन पार्ट, मतलब COH यहां भी है, COH यहां भी है, तो अब मेरे पास चॉइस है कि इसको दें कि इसको दें, तो ओपन पार्ट को प्रायोरिटी देनी है, मतलब ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो फिर बाकी चीज क्या बन गई, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, समझना जरा ध्यान से, अगर प्रायोरिटी है तो COOH को हमें क्या करना है, ओपन पार्ट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी, क्यों, इधर COH और इधर COH, दोनों जगह COH है ना, तो किसको दोगे, ओपन पार्ट को दोगे, यहां क्यों नहीं किया ऐसा, क्यों, क्योंकि यहां तो अलग अलग थे ना फंक्शनल ग्रुप भाई, एक COH था एक OH था, तो कोई चॉइस की दिक्कत ही नहीं है, COH की तो प्रायोरिटी ज्यादा होती है, समझना बात को, है ना, इसलिए हम ओपन चेन को दे रहे हैं। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 पर क्या लगा है, COH, और COH का प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी, 4-carboxy phenyl, ये कहां पर लगा है, 2 पर लगा है, ठीक है, तो 2 पर क्या लगा है, 4-carboxy phenyl, 2 पर क्या लगा है, 2 पर 4-carboxy phenyl, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो बेटा, इथेनोइक एसिड, क्या लिखते हो, इथेनोइक एसिड, समझना बात को, इसके लिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, MI* वाला, फिर से एक बार देख लो, फिर से देख लो, रूल नंबर 5 में हमसे ये बोल रहे थे कि अगर मेरे पास ओपन पार्ट में, वही लिखा है, इफ बोथ पार्ट आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ओपन पार्ट में और रिंग में दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा बेटा हमें उसको नंबरिंग करनी है, क्लियर। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, COH की ज्यादा तो यहां कर दी, यहां COH की ज्यादा तो यहां कर दी, लेकिन अगर दोनों जगह COH आ जाए तो क्या करोगे, ओपन पार्ट को प्रायोरिटी देंगे कंपेरिजन टू रिंग, ठीक है, फटाफट से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो भाई आगे बढ़े।
प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे प्रैक्टिस, ध्यान से देखना जरा, बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको बहुत मस्त हो जाएगा आपका यूपीएससी, है ना। चलो भाई शुरू करा जाए, मुझे बताना जरा OH, CN और BR, किसमें OH, CN और BR किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा बेटा, CN वाले की, ठीक है भाई। तो इसको मैं मान लिखूंगा, अब मैं कहां जाऊंगा, अगर मैंने ये बोला आपसे कि CN की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब CN तुम्हारा बन गया सफिक्स टू, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब बाकी दोनों क्या बन गए ऑटोमेटिकली प्रफिक्स, BR और OH क्या बन गए प्रफिक्स बन गए, और अगर प्रफिक्स बन गए तो ये है बेटा हाइड्रोक्सी और ये है ब्रोमो। बताओ जरा हाइड्रोक्सी में और ब्रोमो में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, प्रफिक्स बन गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलोगे ना, तो ब्रोमो की ज्यादा, तो यहां ये वन है तो ये टू आएगा, ये थ्री आएगा, ये फोर आएगा, ये बेटा फाइव आएगा, ये सिक्स आएगा। ध्यान से देखो, थ्री पर क्या लिखूंगा ब्रोमो, क्या लिखूंगा ब्रोमो, थ्री पर ब्रोमो, ठीक है। फाइव पर क्या लिखूंगा हाइड्रोक्सी, फाइव पर क्या लिखूंगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है भाई हाइड्रोक्सी हो गया। छह कार्बन के साथ सीएन लगा है, बेंजीन के साथ सीएन लगा है, बेंजोनाइट्राइल, क्या लिखूंगा बेंजोनाइट्राइल, ऐसा ही तो लिखूंगा ना, समझ गए बेंजोनाइट्राइल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल मुझसे ये कह रहा है कि सीएल जो आ गया ना, ये कहां आ गया, ये कौन सा रूल आ गया, ध्यान से देखना जरा, मैं आपको रूल याद दिलाता हूं, कहां गया देखना अभी आएगा, ये वाला याद करो जरा, ये वाला रूल है वो जो अभी समझाया था मैंने, कि अगर तुम्हारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप भी आता है, कौन सा वाला प्रफिक्स वाला, तो भी हम उसको नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे इसको वन लिखेंगे, और अगर इसको वन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए फिनाइल लिखते हैं, ठीक है। तो वन फिना, अच्छा फिनाइल और क्लोरो, भाई लिखना तो क्लोरो को भी है ना, तो क्लोरो पहले आता है ना, तो मैं लिखूंगा वन क्लोरो, वन क्लोरो, वन फिनाइल और मीथेन, ऐसे लिखूंगा ना, वन क्लोरो वन फिनाइल मीथेन। अगला सवाल ध्यान से देखना जरा, NH2 है, Cl है, OH है, इन तीनों में किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, बताओ इन तीनों में किसकी प्रायोरिटी, सोचो जरा, प्रायोरिटी टेबल याद हो गई होगी, आप जल्दी से याद कर लो उसको ना, OH, NH2 और Cl, Cl तो देखो वैसे भी प्रफिक्स होता है तुम्हारा, है ना, NH2 और OH में OH की ज्यादा होती प्रायोरिटी, तो हम इसको वन लिखेंगे, इसको वन लिखेंगे। अगर तुमने इसको वन लिखा तो ध्यान से देखना जरा, इसको मैं यहां से शुरू कर दूं, ये वन, अब कहां चलोगे NH2 या Cl, क्योंकि ये दोनों प्रफिक्स बन गए, तो इधर चलोगे दो तीन चार पांच छह, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अमीनो, ये हो गया क्लोरो, ठीक है। तो शुरू करेंगे अपन थ्री अमीनो से शुरू करेंगे, तो क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, थ्री अमीनो, ठीक है थ्री अमीनो क्योंकि प्रफिक्स बन गया, फाइव क्लोरो, क्या फाइव क्लोरो, फाइव पर आ गया क्लोरो, ओके। उसके बाद फिनाइल लिख दूं क्योंकि प्रफिक्स होता है ना ये, तो फिनाइल लिखूंगा। उसके बाद वन कार्बन के लिए मैथेनॉल लिख दूं, OH लगा ना उस पर मैथेनॉल, चेक कर लो एक बार जरा ध्यान से, OH की प्रायोरिटी ज्यादा थी, आराम आराम से समझते जाओ, OH की प्रायोरिटी ज्यादा थी तो मुझे मेन चेन में वन को रखना है बस, बाकी जो रेड वाला है वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया इसका, ठीक है ब्रांच वाला हो गया, कॉम्प्लेक्स ब्रांच टाइप का हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मेरा जो वन है, वन ब्लैक वाला वन, ध्यान से देखना ब्लैक वाला वन, वो मेन चेन का वन है, ठीक है, और बाकी जो रेड वाला आपको दिख रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट में जब आप सोचोगे तुम्हें यहां से जाना है कि यहां से जाना है, मैं इधर से ही क्यों गया अमीन की साइड से, क्यों, क्योंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराना पड़ेगा, किसमें NH2 में और Cl में, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे आ रहा है,
तो NH2 जो होता है वो अमीनो होता है, Cl होता है वो क्लोरो होता है, अमीनो में A आता है, क्लोरो में C आता है, तो बेटा अमीनो को हम पहले रखेंगे क्योंकि A पहले आता है, है ना। तो ये कहानी होगी इसकी। अगला सवाल देखना ध्यान से, इन तीनों में गौर से देखो, इन तीनों में किसमें BRI और Cl, अगर मैं ये सोचूं, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है, पहले सोचते हैं अपन। अगर मैं ये सोचूं कि इसको वन लिखूं, ध्यान से देखना, ये वन, ठीक है, अगर मैं इसको वन लिखूंगा तो इसको टू लिखूंगा, इसको थ्री, इसको फोर और इसको फाइव और इसको सिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लोएस्ट लोकेंट रूल लगाऊं तो वन टू और फाइव, ध्यान से देखना, वन टू और फाइव यहां आऊंगा, क्लियर। अगर मैं ऐसा सोचूं, कैसा, अगर मैं ऐसा सोचूं, ये ले लेते हैं, अगर मैं ऐसा सोचूं इसको वन लिखूं, ठीक है, तो ये वन आएगा, ये टू आएगा, ये थ्री आएगा, ये फोर आएगा, तो किस पर आ रहा है, एक ब्रांच वन पर आ रहा है सीएल, टू पर क्या आ रहा है बीआर, और फोर पर क्या आ रहा है तुम्हारा आई। तो वन टू फाइव और वन टू फोर लोएस्ट लोकेंट रूल, वन टू फाइव और वन टू फोर लोएस्ट लोकेंट रूल, बताओ जरा, वन टू फोर वाला जीत जाएगा। इसका मतलब जो नंबरिंग करेंगे वो सीएल को हम वन देंगे और ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। मैं बीआर को वन देता तो वन टू फाइव आ रहा है, मैं सीएल को वन दूंगा तो वन टू फोर आएगा, तो लोएस्ट लोकेंट रूल यहां पर लगेगा, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलो दोबारा ही बना देता हूं यार, बी आर सी एल और आई, एक बार दोबारा बना लेते हैं अपन, है ना, क्या दिक्कत है? देखो ऐसा था, यहां सी एल था, यहां बी आर था, इधर आई था, ठीक है, यही था। तो लोएस्ट लोकेंट रूल मैंने लगाया तो बेटा ये वन आया, ये टू आया, ये थ्री आया, ये फोर आया, ये फाइव आया और ये सिक्स आया। अब अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिख लेंगे, क्या टू पर क्या लगा है बीआर, तो टू ब्रोमो, टू पर क्या लगा है बीआर, टू ब्रोमो, वन क्लोरो फोर आयोडो, वन क्लोरो फोर आयोडो, ये लिखूंगा, और छह कार्बन है तो बेंजीन ही तो बोलते हैं इसको, गोले के साथ बेंजीन ही तो बोलते हैं ना, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, अब तो समझ गए होगे भाई, अब आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, मैक्सिमम तो अपन ने कवर कर ही लिया यूपीएससी। सीएचओ और ओएच, अच्छा बताना जरा, सीएचओ और ओएच में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बेटा, सीएचओ और ओएच में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, सीएचओ की ज्यादा है। इसका मतलब हम जब नंबरिंग करेंगे तो बेटा इसको वन लिखेंगे, ये टू आएगा, ये थ्री, ये फोर आएगा, ये फाइव और ये सिक्स आएगा। टू पर लगा है ब्रांच, टू पर लगा है ब्रांच, बताना जरा इसको क्या बोलते हो, OH को, हाइड्रोक्सी सर, तो टू पर हाइड्रोक्सी आएगा, तो ये आ गया भैया टू हाइड्रोक्सी, टू हाइड्रोक्सी, यही आएगा बड़ा टू हाइड्रोक्सी। अच्छा बताना जरा बेंजीन के साथ CHO कंबाइन क्या बोलते हो उसको, बेंजाल्डिहाइड, क्या बोलते हो, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, यही लिखते हो आप इस तरीके से, समझ रहे हो बात को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और भी आ रहे हैं अभी, है ना, फटाफट से इसको नोट करो फिर और आ रहे हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो बहुत कराएंगे अपन, उसके लिए तो रेडी रहो, बिल्कुल क्वेश्चन देखते जाओ, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन कराएंगे आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या आ गया, इसको हटाना पड़ेगा, चलो भाई देखना जरा, दिख रहा है क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि हमारा नाम बताओ, है ना। अब नाम कैसे बताओगे, ध्यान से देखो जरा, सीओएच और एस्टर, किसमें
COOH और एस्टर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? COOH की। तो बेटा ये वन आएगा, ये टू आएगा। अरे इसको कैसे मिटाऊंगा मैं? वाह यार, ये टू आएगा, ये थ्री आएगा, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। देखना जरा सही करी नंबरिंग। COOH की प्रायोरिटी अगर ज्यादा है तो मुझे वहीं से तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना। अब ब्रांच देखो आप क्या है आपकी, ये जो ब्रांच है ना, ओ भाई साहब ये तो वही वाली ब्रांच है, वही वाली। अगर ऑक्सीजन से एस्टर वाले कनेक्टिविटी होती है तो हम क्या लिखते हैं? इथेनॉल ऑक्सी। ध्यान से सुन लो जरा, ये तुम्हारा क्या है? अरे दादा ये क्या है? ये तुम्हारा इथेनॉल होता है और ओ लगा है, उसे कनेक्टिविटी तो इथेनॉल ऑक्सी। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टू पर, टू पर क्या लगा है? इथेनॉल, इथेनॉल ऑक्सी। क्या लगा है? इथेनॉल ऑक्सी, ठीक है। अब बस खत्म हो गया। छह कार्बन के साथ COOH को क्या बोलते हो? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हो? बेंजोइक एसिड। क्या? बेंजोइक एसिड, फील के साथ बेंजोइक एसिड, है ना। तो टू इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से, रुको 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 रुको, कहां जा रहे हो अभी बेटा? अभी देखते जाओ, है ना। यहां लगाएंगे और, मतलब इसका एक नाम और होता है, ठीक है। और सुनना जरा, ये जो है ना, ये इसको एसिट भी तो बोलते हैं, एसीईटी, एसिट, ठीक है। तो इसका नाम है एसिट और ऑक्सी, मतलब एसिटॉक्सी। तो टू पर हम लिख सकते हैं एसिटॉक्सी। इसका एक नाम और लिखा जा सकता है क्या? टू एसिटॉक्सी और बेंजोइक एसिड। टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ध्यान से सुन लो, इथेनॉइल ऑक्सी को और एसिटॉक्सी भी लिख सकते हैं। क्या? इथेनॉइल ऑक्सी को बेटा एसिटॉक्सी। कैसी? ऐसी ऐसी, ठीक है। ध्यान रखना, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और नंबरिंग हम जो करेंगे वो कहां से करेंगे? ध्यान से देखेंगे, ये वन लिखेंगे। क्यों? ये दोनों ही तुम्हारे प्रफिक्स होते हैं। ये मिथाइल है, ये नाइट्रो है। तो मिथाइल एम पहले आता है, एन बाद में आता है। एबीसीडी तो बचपन से सीखी थी हमने। ये ब्रांच, ये ब्रांच, क्या लिखूंगा? वन मिथाइल, वन मिथाइल, और दो पर क्या लगा है? एनओ टू। तो टू क्या लिखूंगा? नाइट्रो। और साफ साफ बेंजीन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बेंजीन नजर आ रहा है। अगला देखो जरा, इसका कॉमन नेम भाई साहब डीडीटी होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? दीदी ती, दीदी ती, है ना, डीडीटी होता है। अब इसका हमें क्या करना है? आयुपैक। ध्यान से देखना आप जरा, ये क्लोरो वाला पार्ट है और ये आपका बेंजीन वाला पार्ट है। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? ये यहां पे तीन ब्रांच दिख रही, तो ये वन और ये टू। तो वन 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 ट्राइक्लोरो तो आ गया आपका, साफ साफ दिख रहा है, वन 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 ट्राइक्लोरो। इधर क्या है ये? इसके लिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमें अलग से नंबरिंग फिर करनी पड़ेगी। क्या? ये वन, ये सॉरी वन ही था वो, दो क्यों लिख रहा हूं, ये वन और टू। देखना, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स, ऐसे लिखूंगा। इधर देखो जरा, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, इधर वाला फाइव और ये कार्बन सिक्स। अब देखना जरा, ये तो आइडेंटिकल आ गए। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल होते हैं तो बिस यूज करेंगे दो के लिए, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा नाम? ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या? वन कॉमा वन कॉमा वन ट्राई क्लोरो तो बेटा पहले आ जाएगा क्योंकि क्लोरो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बिस, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद लिखेंगे बिस, ठीक है। अच्छा टू पर आ रहा है ना, तो बिस के पहले टू लिखो पहले, है ना। इसके टू पर आ रहा है, टू पर अब लिखेंगे क्या? बिस, ठीक है भाई। मेन चेन तो तुम्हारी ये है ना, इसके टू पर आ रहा है, तो बिस क्या लिखोगे? फोर क्लोरोफिनाइल, ठीक है। बिस क्या लिखोगे? फोर क्लोरो
फिनाइल, ठीक है, ऐसा आएगा बिस फोर क्लोरोफिनाइल और दो कार्बन है तो इथेन। चेक कर लो जरा एक बार, बहुत ध्यान से देख लो, 111 ट्राइक्लोरो है और 22, अच्छा एक टू नहीं दो टू लगाने पड़ेंगे, 2.2 दो लगे ना, 22 बिस फोर क्लोरोफिनाइल और दो कार्बन तो इथेन। ध्यान से देख लो जरा, बहुत ध्यान से, 111 ट्राइक्लोरो सही है, 111 ट्राइक्लोरो सही है, उसके बाद 2 पर दो लगे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो 2.2 बिस लगाएंगे अपन, है ना, और 4 क्लोरोफिनाइल और दो कार्बन के लिए इथेन, सही है। अगला देखो जरा, नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाले में ये जो है ये एनहाइड्राइड है, ठीक है, और अगर एनहाइड्राइड है और उसका कार्बन काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो ये कार्बन काउंट नहीं होंगे, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट वैसे ही कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन, ठीक है, 1, ठीक है, 2, 4, 5, देखो जरा ये लिखूंगा, बेंजीन के साथ 1 पर 2 पर 4 पर और 5 पर, तो 1, 2, 4, 5 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड ऐसे लिखेंगे, है ना, ध्यान से देख लो जरा एक बार, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो 1, 2, 4, 5 पर क्या लगा है, एनहाइड्राइड लगा है, तो बेंजीन 1, 2, 4, 5 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हम लिखेंगे, ठीक है, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो। लिख लिया, चलो आगे बढ़े, तो ये कहानी हो गई अपनी प्रैक्टिस की, ठीक है, तो इसमें आप देखो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, लेक्चर 4 में हमने साइक्लिक कंपाउंड पढ़ा, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक, ये बेसिक रूल है, ये आपको याद करने हैं, जितना जल्दी आप ये याद कर लोगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, और रूल्स रटना मत, आप बैठ के ऐसा नहीं कि आप रट रहे हो, आपने एक बार पढ़ लिया कि ये रूल है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, यही जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसको आप दोबारा से खुद से सॉल्व करना, ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्यों, आपके पास सॉल्यूशन तो आ ही गए, तो एक बार फिर से ट्राई करना, ये क्वेश्चन आप बन जाएंगे, है ना, ये क्वेश्चन हो गए आपके साइक्लिक वाले, है ना, ये क्वेश्चन हो गए आपके साइक्लिक वाले, कई सारे वेरिएशंस मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करे हैं ना, तो आपको क्या है क्लियरिटी से चीजें समझ में आ जाएंगी। बेंजीन डेरिवेटिव वाला हमने पढ़ लिया पूरा, बेंजीन वेंजीन के कॉमन नेम वगैरह ये सारे, है ना, उसको आईयूपीएसी में यूज करते हैं, उसके बाद ये रूल पढ़ा अपन ने फंक्शनल ग्रुप वाला, अगर एक से ज्यादा आ गए तो अपने को कॉमन नेम यूज नहीं करना, मतलब ये मतलब नॉर्मल सी चीजें हैं, बस आप एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देखते जाओगे ना तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, है ना, एग्जाम्पल से ही मेन काम होता है, एग्जाम्पल में जैसे इस टाइप का ये एग्जाम्पल हो गया, मतलब वेरिएशन बता दिए मैंने कि बेंजीन रिंग कब करनी है कब नहीं करनी है, इस टाइप के काफी वेरिएशन हमने कवर किए हैं, मतलब मैक्सिमम कंटेंट आपको डिलीवर हो चुका है, मतलब जो आईयूपीएससी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना, तो अपन ने ऐसा नहीं कि एक बार रूल लिखे और फिर अपन आगे क्वेश्चन करने आ गए, रूल पढ़े फिर हमने क्वेश्चन भी साथ ही साथ देख लिए, तो रूल ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, इसमें यह वाला पॉइंट ध्यान रखना आप, है ना, इसमें लोग गलती करते हैं, उसके बाद अपन चले कहां पर, इधर चले, ठीक है, ये क्वेश्चन करे अपन ने, इस टाइप का क्वेश्चन तो जेई में भी आ चुका है ना, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक बार देख लेना आप, है ना, इधर आए अपन, ये वाला इधर मेन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये
इसके लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, टू एसिटॉक्सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, आप चाहो तो यहां पर अलग से लिख भी लो, है ना, यहां लिख देता हूं मैं एम आई स्टार। क्या ये जो इथेनॉल ऑक्सी है ना, इथेनॉल ऑक्सी को हम इक्वलेंट टू लिख देता हूं क्या, एसिटॉक्सी भी लिख सकते हैं, क्या एसिटॉक्सी भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी डीडीटी का मैंने आपको बता दिया और ये कार्बोक्सिलेट वाला बता दिया, मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड वाला, अगर एनहाइड्राइड आपका आ गया उसका कार्बन काउंट नहीं करो, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट के लिखते हो वैसे ही कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखना है ना। तो ये पूरे रिंग में लगा हुआ था 1 2 3 4 5, तो बेंजीन 1 2 3 4 टेट्रा, नहीं यहां टेट्रा आएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, चार लगे ना 1 2 3 4, तो टेट्रा लिखना पड़ेगा, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट लिखते हो वैसे ही आपको कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखना है ना। तो ये कहानी थी इस लेक्चर की, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इसमें बची हुई चीजें हैं, वैसे है तो मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, बाईसाइक्लो स्पाइरो बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है। आप तो ये समझ लो कि यहां तक जो हमने आईयूपीएससी पढ़ा ये आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने ये लेक्चर तक आईयूपीएससी अच्छे से तैयार कर लिया तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। और बाकी बाईसाइक्लो और स्पाइरो है उसकी हम एक बार नेमिंग देख लेंगे, और आईयूपीएससी के कुछ और पॉइंट्स होंगे तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके आईयूपीएससी खत्म कर देंगे अगले लेक्चर में, है ना। तो बढ़िया तरीके से अपना आईयूपीएससी कवर हो गया, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा दिए। अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में नोट्स लिख लो, जो भी आपकी लैंग्वेज है बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करते जाओ। फिर से बोल रहा हूं मैं, बैकलॉग मत होने देना, जो लेक्चर आ रहा है उसको आपको डेली के डेली कंप्लीट कवर करना है, ठीक है। आप आसानी से कवर कर सकते हो, बहुत ज्यादा खास इसमें चीजें नहीं है, बस एक बार देख लो कि ये चीजें हैं तो आपका आईयूपीएससी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।